गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश होंगे। मेरा नाम है मुदस्सर, मैं हूं मुबशीर। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। तो आज हम देखने लगे हैं वर्ल्ड बिगेस्ट थिंग्स इन इंडिया, मतलब आज हम ऐसी चीजें इंडिया में देखेंगे जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है, मतलब वो है इंडिया में जिन चीजों में, मतलब जो चीजें इंडिया के पास है और वो दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी है, मतलब वर्ल्ड बिगेस्ट थिंग्स इन इंडिया, मतलब दुनिया की, मतलब अपनी कैटेगरी में सबसे बड़ी चीज जो इंडिया में होती है, मतलब बनी हुई है कोई भी चीज, जिस तरह फॉर एग्जांपल स्टैचू ऑफ यूनिटी, मतलब इस तरह की हम चीजें हम देखने लगे। वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट लॉन्गेस्ट थिंग्स इन इंडिया, मतलब आज हम लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट, मतलब हर कैटेगरी में चीजें देखेंगे जो इंडिया में सबसे बड़ी है, तो देखते हैं और इंडिया जिसमें टॉप कर रहा है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऑसम किस्म के वीडियोस बनाते हैं। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों हमें पता है विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे भारत में गुजरात स्टेट के नर्मदा जिले में है, जो कि हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृह मंत्री माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित एक स्मारक है, जिसकी हाइट 182 मीटर अप्रोक्स 597 फीट है। इस स्टैचू के उद्घाटन के बाद हमारे देश विश्व में पहला स्थान ले चुका है। बट ओनली स्टैचू ऑफ यूनिटी इज नॉट वन ऑफ, बल्कि इसी के साथ कुछ ऐसे चीजें हैं जो पूरे विश्व में सिर्फ हमारे भारत देश में है, जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो। दोस्तों मैं हूं कुछ, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करेक्ट है में, द ग्रेट बनियान ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं इस बरगद के पेड़ के साथ, जिसे द ग्रेट बनियान ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 250 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह विशालकाय पेड़ कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में है। 14,500 मीटर स्क्वायर में अप्रोक्स 3.5 एकड़ में फैला हुआ यह पेड़ 24 मीटर ऊंचा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस पेड़ पर पक्षियों की करीब 80 से ज्यादा प्रजातियां निवास करती हैं। पेड़ उसकी स्टेडियम इन वर्ल्ड। दोस्तों स्टेडियम में जाकर लाइव मैच देखने का अलग ही मजा है। आपने कभी यह सोचा है कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां और कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के मोटेरा नामक जगह पर बनाया गया है, इसीलिए इसे मोटेरा स्टेडियम और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। 63 एकड़ के एरिया में फैले हुए इस स्टेडियम में 110,000 लोगों की बैठने की क्षमता है। उसी के साथ इस स्टेडियम में करीब 4,000 कारें और 3,000 टू व्हीलर की पार्किंग की अरेंजमेंट की गई है। इस स्टेडियम की स्पेशलिटी यह है कि मैच के समय अचानक बारिश होने पर क्रिकेट के इस ग्राउंड को मात्र आधे घंटे में फिर से खेलने लायक बनाया जा सकता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा बर्ड स्टैचू, जिसे जटायु अर्थ सेंटर भी कहा जाता है, यह भारत के खूबसूरत राज्य केरल के कोलम जिले से 38 किलोमीटर दूर चादिया मंगलम गांव में मौजूद है। 65 एकड़ के एरिया में फैले हुए इस बर्ड स्टैचू की हाइट 21 मीटर और लंबाई 61 मीटर है। यह पूरे 1400 मीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। इस पार्क में इस कल्चर के साथ 6D थिएटर और डिजिटल म्यूजियम भी है। हम सब लोगों को इन दिनों टीवी पर महाभारत सीरियल दिखाया गया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। पर दोस्तों क्या आपको पता है महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसकी रचना ऋषि वेदव्यास जी ने की थी। इस महाकाव्य में लगभग 1,00,000 के ऊपर दोहे हैं, इसलिए यह दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। अब हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े डेल्टा के बारे में, मगर दोस्तों सबसे पहले जानते हैं डेल्टा किसे कहते हैं। डेल्टा मीन्स जब नदी बहते हुए समंदर के तरफ आती है, तब अपने साथ वह कुछ अवसादों यानी सीडिमेंट्स को लेकर आती है, जिसके जमाव के कारण यह एरिया ट्रायंगल के जैसे दिखता है। यह हमेशा ऐसी जगह तैयार होता है जहां नदी समुंदर या फिर किसी बड़ी नदी को आकर मिलती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के दक्षिण क्षेत्र में स्थित गंगा नदी का सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसके 10,200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एक सदाबहार वन है जो भारत और बांग्लादेश में फैला है। उसी के साथ यह दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र में से एक है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज रखने वालों में हमारी इंडिया रेलवे 8वें नंबर पर है। पर दोस्तों क्या आपको पता है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हमारे भारत में मौजूद है? यह प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्टेशन में मौजूद है, जिसकी लंबाई 1,366.33 मीटर मींस 4,482.7 फीट है। इस प्लेटफॉर्म पर एक साथ 2 से 3 ट्रेन रुकने की व्यवस्था है। मतलब वर्ल्ड हाईएस्ट रोड। दोस्तों कुछ लोगों को लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है और मुझे भी, तो अगर रोड लद्दाख में साथ साथ ऊंचा भी हो तो नजारों का मजा कुछ अलग ही आएगा। लद्दाख में मौजूद खारदुंगला नाम की सड़क दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है, जो लगभग 1,359 मीटर यानी 17,582 फीट हाइट पर बनी है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डैम। दोस्तों उड़ीसा के महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है।
यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। यह टोटल 25.8 किलोमीटर लंबा है। इस डैम पर दो पावर हाउस है, एक बुरला और दूसरा चिपलीमा, जो अप्रॉक्स 347.5 मेगावाट तक की बिजली देता है। बिगेस्ट टेम्पल प्रीमाइसेस। दोस्तों आज हमारे भारत में लगभग 2 मिलियन से भी ज्यादा हिंदू मंदिर है, मगर नई दिल्ली में बना स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ है। इस मंदिर का परिसर लगभग 100 एकड़ का फैला हुआ है। यह दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर रहने वाला मंदिर है, जिसे 26 दिसंबर 2007 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। वर्ल्ड हाईएस्ट मीनार। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची मीनार वन ऑफ वर्ल्ड फेमस एंड हिस्टोरिकल प्लेस दिल्ली में महरौली मौजूद कुतुब मीनार है, जिसका निर्माण ईंटों द्वारा किया गया। इस मीनार की हाइट 72.5 मीटर एंड डायमीटर 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर 2.75 मीटर हो जाती है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार क्या मस्त है यार, इसमें काफी चीजें हमें पता लगी। कहीं मीनार भी सबसे बड़ा कुतुब मीनार है। अच्छा आज मतलब मैं मंदिर कितना ब्यूटीफुल था, 100 एकड़ का भाई, 100 एकड़ का, और खूबसूरत कितना प्यारा बना हुआ था। बहुत प्यारा यार, वो बहुत प्यारा यार। और मैं डैम पे हैरान हुआ, 25 किलोमीटर सिर्फ लंबाई में इसी तरह है भाई, 25 किलोमीटर सिर्फ लंबाई है उस डैम की, इतना बड़ा बना है। यानी ये लंबाई के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना डैम है, और शायद और भी किसी मामले में हो। तो यार मतलब मंदिर को भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और यार भाई इस मतलब इंडिया जो भी करता सही बड़े पे वाले पे करता, मतलब ऐसा कभी नहीं करता जो कोई ना कर सके। और पहले रोड था कि मतलब दुनिया का सबसे बड़ा वो ऊपर एक सड़क थी, लेकिन अब पूरा हाईवे बना दिया इंडिया ने लद्दाख में, मतलब आप खुद देख लो भाई। और पिछले दिनों तो मैं को खबर सुन रहा था कि उधर दुनिया का सबसे बड़े जो उधर जो हाईवे बनाया उधर इलेक्ट्रिक के लिए, वो गाड़ियों के लिए स्टेशन भी बना दिया, चार्जिंग पॉइंट बना दिया, मतलब वो पूरी दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू उधर है। मंदिर देखने के लिए पूरी दुनिया आती है। 2 मिलियन से ज्यादा मंदिर है इंडिया में, ये मुझे आज पता लगा सीरियसली। और अगर एक और भी आइडिया देखा जाए, हर घर में एक मंदिर भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें भी उधर है इंडिया में, ये वाले भी फैक्ट एक बार मतलब यार। और दूसरी बात ये कि यार जिस तरह वो बता रहे थे वो नदियां मुख्तलिफ सी जो मिल जाती हैं, इसी तरह मतलब बन जाती वो डेल्टा जो था, डेल्टा जो था वो मतलब वो कहते हैं, और सबसे ज्यादा उगाऊ जमीन भी उसी जगह पर है पूरी दुनिया। तो यार ये मतलब कुछ चीजें थी जो इंडिया में सबसे, ये तो कुछ चीजें थी ऐसी, मैं कहता हूँ हजारों में चीजें और हैं जिसमें इंडिया यार इस तरह पहले स्पॉट पे आता है। इस तरह तो बहुत ज्यादा है, इस तरह अगर बात वीडियो बनती रही तो फिर बनती जाएगी, वही ना वो वीडियो खत्म। ये तो कुछ चीजें हैं क्योंकि इस तरह फिर घंटों लग जाएंगे इसी तरह। सो गाइस आप लोग इसके अलावा कोई और चीज जानते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।